हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी से हिंदी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें ना आज जो एक्चुअल पे अगर बात करनी है, तो सबसे पहले कि हम आज ये बात करेंगे स्ट्रेटजी पे, और स्ट्रेटजी को लेकर के और साथ में ट्रेंड एनालिसिस को लेकर के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। यानी जितने भी क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है जो आपके दिलों और दिमाग में उठते हैं उनके बारे में बात करें। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। आपको ये पहले से भी पता है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एजुकेशन के क्षेत्र में बन के उभरा है। अनअकैडमी के बारे में अगर बात करें तो इसका ऐतिहासिक एक आप ये कह सकते हो कि हमने कुछ इतिहास में जैसे कि कुछ सालों से हमारा रिजल्ट बयां करता है। तो हमारी जो ऐतिहासिक रिसीटिंग रही है इस चीज को लेकर के, आप अगर जुड़ते हो अनअकैडमी से तो आपको क्या क्या मिलेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो देखते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस, देखो डेली लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि अनअकैडमी में मोर देन 40 लाइव क्लासेस जो कि पैरेलल चल रही होती हैं। मींस पैरेलल का कि मान लो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस पैरेलल चल रही होती हैं। आप प्लस के माध्यम से जुड़ के जो भी मन करे आप वो पढ़ सकते हो। इसके बाद आपने जो थ्योरी पढ़ी तो उसका लाइव टेस्ट और क्विजेस होता है, जैसे कि मैं ही टेस्ट सीरीज 10 PM पे करवाता हूँ। लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। इसके साथ साथ देखोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, ये ऐसे इंटरफेस खुल के आता है, डाउनलोड करना है और ज्यादा ज्यादा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इसके साथ मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑप्शनल पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। और मैं इकोनॉमी को लेकर इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि आपको ये कह सकता हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप सही ढंग से थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हो और पूरा लेक्चर, करीब 150 लेक्चर आएंगे तो उसमें आप करीब 150 लेक्चर्स में अगर आप पूरा कर लेते हो और नोट्स पढ़ लेते हो तो 15 में से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर पाओगे। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। यहाँ भी क्लासेस मेरी होती हैं, डेली 3 से 4 क्लासेस होती हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की, पॉलिटी की, और इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी के साथ साथ टेस्ट सीरीज की। यह टेलीग्राम लिंक है, इसके माध्यम से सारा चीज हैंड आउट मिल जाएगा, यहाँ जुड़ जाना है। ये मेरे दोनों कोड हैं, एक STDSC10 इससे और इससे, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है, 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ बात करें तो आप इसमें से कॉम्प्रेहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा, 15,000+ कोर्सेस इसमें से यूपीएससी के पढ़े हुए रिकॉर्डेड फॉर्म में, और हर एक सब्जेक्ट में 15 या 20 20 अपकमिंग क्लासेस हो रही होती हैं। हमारे पास कुछ प्लान है भाई, प्लान देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि नो डाउट हमारी स्पेशल क्लासेस यूट्यूब में क्लासेस चल रही होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो प्लस क्लासेस हो जाती है। क्यों? इसमें आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन और एक कंस्ट्रक्टिव मोड पे मिलती हैं। तो देखो, आप आईएएस एस्पायरेंट हो, ये 1 दिन की और 2 दिन की तो तैयारी होती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं कहूंगा कि मिनिमम आप 12 माह सब्सक्राइब कर लो और मैक्स 36 माह तक का हमारे पास प्लान है। इसके अंतर्गत आप भैया देख पाओगे ये कोड है SPDSC10 यूज करना है, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। सच है, आप 12 माह सब्सक्राइब करते हो तो 49,500 फी है, जिसको आप मात्र आपको 44,500 पेड करनी होगी। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्टर शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। इसके पास दूसरा आइकॉनिक प्लान है, इसके अंतर्गत आप 12 माह से 36 माह तक का प्लान है, अगेन इस कोड को यूज करोगे 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 तारीख से इस प्लान का जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पर्सनल कोच, जो कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अकेडमी इकोनॉमी ऑफ स्केल का उपयोग करते हुए आपको पर्सनल कोच की व्यवस्था करवाता है। अब अगला प्लान है हमारा ऑप्शनल को लेकर के, तो ऑप्शनल जैसे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो या किसी और टीचर के साथ, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इसमें से ऑप्शनल पढ़ाए जाते हैं, तो आप इसमें से मेरा ये कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा, और इसमें आपको ये 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है, ठीक है। तो आपने ये चीजों यहाँ तक देखा। अब देखो, इंडिया लार्जेस्ट फूड नाइटली कॉन्टेस्ट कुछ होने वाला है, इसके अंतर्गत जो 11 बजे 27 जनवरी को, सॉरी 17 जनवरी को, नॉट 27 यानी 17 17 जनवरी को 11 बजे कॉन्टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप देखना है
कि इसके अंतर्गत इसमें से 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शन इसमें से, और रिलेटिव स्कोरिंग इसके माध्यम से आपको प्राप्त क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। 1-3 रैंक वाले को 3 माह का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएससी में, इसमें से 4-150 रैंकर्स को यानी अमेजन बाउचर के अंतर्गत इसमें अमेजन बाउचर 1000 का दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ बैचेस हैं जो हमारे 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए डेडिकेटेड हैं, जो 18 जनवरी से 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इनको देखो, इन बैचेस को देखो, जैसे ये बैचेस देख पा रहे हो आप, इसके बाद ये बैचेज आप देखिए, इसके साथ साथ आप देखोगे तो कुछ ये बैचेज है, दिस वन एंड दिस, ये सभी 18 जनवरी से बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ और प्लान ये प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत, तो आप देखोगे जैसे कि ये 12 मंथ का ये दोनों प्लान है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको 10% का अगेन डिस्काउंट प्राप्त होगा इसको यूज करते हुए, इस पे अगर आप यूज करते हो इसमें, और आपको 88,705 में से मात्र आपको कितना पेड करना होगा इसमें से, जैसे आइकॉनिक के अंतर्गत इसमें आपको इतना 70,107 रुपया, और वही अगेन सेम चीज है, इसमें से देवी वाईटी कोड को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने चीजें देखा, मैंने बोला कि अब ये 25 से ये हाइक होने वाला है, कब से 25 से ये हाइक होने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, ये स्ट्रेटजी वीडियो होगा, ट्रेंड एनालिसिस होगा, कैसे आप कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट में देना है, मैं इन सारी चीजों को लेकर के बात करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो हमेशा बच्चों का होता है कि सिविल परीक्षा क्या है, सिविल सेवा है क्या, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। देखो, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, ये एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। भारत में जो सभी बड़े पद हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला भी, ये सारे बड़े पदों की जो परीक्षा है वो यूपीएससी ही क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इसकी जो परीक्षा है वो कौन लेता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये जो यूपीएससी है ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, सिविल सेवा परीक्षा में किन पदों के लिए, किन किन पदों के लिए होती है, आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए, कस्टम एंड एक्साइज है यहाँ पे एक्साइज के लिए, आईआरटीएस के लिए और आईपीओएस के लिए, ये सारे प्रशासनिक पद ये यही इसके माध्यम से यूपीएससी जो आप देते हो ना, इसी के माध्यम से ये सारे पद भरे जाते हैं। इसमें मात्र आईएएस बस नहीं बनते हैं बल्कि इसी से आईपीएस बनते हैं, इसी से आईएफएस बनते हैं। आईएफएस दो प्रकार का होता है, एक इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। फिर आईआरटीएस हो गया, आईपीओएस हो गया, ये सारे जो पद है सब यूपीएससी के अंतर्गत ही भरे जाते हैं एक एग्जाम के अंतर्गत। अब सिविल सेवा के प्रतिवर्ष रिक्तियों की संख्या कितनी रहती है, तो देखो ये हर साल घटती बढ़ती रहती है। पहले ये थोड़ा सा 1000 के आसपास होती थी 4-5 वर्ष से पहले, लेकिन अब ये 900 और औसतन 1000 के आसपास रहती है, ठीक है। अब यूपीएससी परीक्षा में शैक्षिक योग्यता आयु सीमा और प्राध्यापकों की संख्या कितनी होती है, प्राध्यायों, ठीक है ना, अटेम्प्ट है, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट है ये, अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो, सिविल सेवा परीक्षा की जो शैक्षिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, या इसके समकक्ष इसी के इक्वल योग्यता होनी चाहिए। समान वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जो टाइम पीरियड है वो जाके 32 साल, कितना 32 ईयर है, जो 32 ईयर है, और 6 प्रयास है, ठीक है, 6 अटेम्प्ट है। वही ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 35 ईयर होता है, यहाँ पे जो लिखा है उसमें फोकस मत करिएगा, काफी कुछ इरर्स है, तो 35 ईयर होता है, और इसको 9 अटेम्प्ट है, इसको क्या है, 9 अटेम्प्ट है। पहले जनरल के 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, अब उसको 6 अटेम्प्ट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इनका जो टाइम पीरियड होता है यानी 37, ये 37 तक आप जितने भी अटेम्प्ट होते हैं वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, जितने भी अटेम्प्ट है 37 तक 37 साल तक, इनके प्रयासों की संख्या अनलिमिटेड है 21 से 37 तक आप गिन सकते हो, ये सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं। वही ओबीसी के अभ्यर्थी जो है, ओबीसी के तो मैंने बताया 35 साल तक इनका टाइम पीरियड, और वही
प्रयास, ये 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलो, सिविल सेवा या आईएएस की परीक्षा हेतु स्नातक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना बहुत कंफ्यूजन रहता है। पहली बात तो ये सुन लो कि मैंने क्या बताया, इसमें योग्यता क्या है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी विश्वविद्यालय से हो, बशर्ते वो इक्विवेलेंट हो। इसमें स्नातक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए ये जानना जरूरी है। देखो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंक की सीमाएं नहीं है, बशर्ते मात्र आपको पास होना चाहिए। तो कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, न्यूनतम अंक का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप स्नातक हो किसी भी स्ट्रीम से और पास होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया क्या रहती है? तो आयोजन ये एक्चुअल में 3 चरणों पे परीक्षा करवाई जाती है। पहले पीटी होता है, पहला चरण प्रारंभिक चरण पीटी कहते हैं, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होता है, किसका, मेंस का होता है, तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है, और ये जो मुख्य परीक्षा होती है ये लिखित होती है, और जो आपका पहला चरण होता है ये पीटी, ये वैकल्पिक, ये ऑप्शन मल्टीपल चॉइस होता है, ये आपका वैकल्पिक होता है, ठीक है। इसमें आपको चूज करना पड़ता है, और इंटरव्यू फिर लास्ट स्टेज होता है इसका, थर्ड स्टेज अथवा तीसरा स्टेज इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं? तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। जीएस फर्स्ट में जैसे कि इसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस हो गया, इसमें इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, और इसमें इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब इसके बाद एक दूसरा पेपर जिसको सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड कहा जाता है, इसमें अब 80 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर से मतलब क्या है कि इसमें एक पता ही नहीं मैटर करता है कि आपको कितने मतलब कितने ज्यादा अंक ले आओगे तो उसका फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, इसमें से मात्र 33% क्वालिफाइंग आपको पास होना चाहिए तो आगे आप प्रोसीडिंग होगी, बस अन्यथा प्रोसीडिंग नहीं होगी, मतलब आपकी जीएस की ही कॉपी चेक नहीं होगी अगर आप सी सेट में फेल कर जाते हो। तो सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले जब ये सी सेट 2013 में आता है तो देखो, पहले पीटी ये जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है इससे मेरिट बनता था, लेकिन एक यहाँ एक दूसरी नई एक प्राणी की खोज होती है, नई प्राणी, और प्राणी की खोज का मतलब कि जो वो लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, वो लोग जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो सेकंड पेपर में 200 में ये 198 अंक स्कोर करके और आसानी से पीटी क्वालिफाई कर जाते थे। जब ये समस्या उभरी, ये प्रॉब्लम देखने को हुआ, तो फिर इसको क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया, और मेरिट किससे बनती है, प्रारंभिक परीक्षा जो सेकंड पेपर ध्यान रखिएगा, जो मेरिट है ना वो सेकंड पेपर के लिए बनती है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो मेरिट पहले पेपर था जीएस फर्स्ट से बनती है, जैसे जनरल स्टडी के पेपर से बनती है, ये मेरिट इसका डिसाइड किया जाता है। अब ये मेरिट फाइनल मेरिट पे नहीं जुड़ेगी, बल्कि इसके लिए मेंस का सिलेक्शन निर्धारण होता है, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में विषय, मुख्य परीक्षा के विषय में बताइए, तो अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो अब मुख्य परीक्षा में निबंध का एक प्रश्न जो 250 अंक का पूछा जाता है, ये अंग्रेजी व हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग प्रगति के, एक अंग्रेजी का हो गया और एक हिंदी का, इसका 300 अंक का होता है, और ये भी नेचर क्वालिफाइंग प्रगति का होता है। बाकी के 4 पेपर जीएस के होते हैं, 250-250 अंक के होते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है 4 के बाद, ये वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं, ये भी 250-250 अंक के होते हैं। इस प्रकार मुख्य परीक्षा का जो समान स्तर पे, समान अध्ययन पे 1000 अंक हो गए, निबंध का 250 अंक हो गया, और वैकल्पिक विषय के 500 अंक हो गए, टोटल मिलाकर 1750 अंक क्या हो गए, हो गए। तो आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 1750 नंबर की तैयारी करनी पड़ती है। नहीं समझा ना, दोबारा से समझिएगा, मैंने कहा कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पहले तो ये देखो कि पहला पेपर आपको एससी का होगा, क्योंकि 250 नंबर का होता है, कितने 250 नंबर का होता है। दूसरा पेपर आपकी भाषा का होगा, इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी का, जो कि ये 300-300 नंबर का होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है, इसमें लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है।
ठीक आ रही थी वो भी नहीं आई। मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। अब देखो, इसके बाद हम बात कर रहे थे मुख्य परीक्षा में जो जीएस के चार पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर ढाई ढाई सौ अंक का होता है। वैकल्पिक विषय के दो पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर ढाई ढाई सौ अंक का होता है। तो टोटल मिलाकर 1750 नंबर का आपका मेंस मतलब मुख्य परीक्षा होता है। इसके बाद आपको देखना है जो आगे जाके, तो एक जो आपको मिलेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आगे बात करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो सिविल सेवा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की साइट पर, और ये सारी ये इसकी साइट है, इस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं सारा सिलेबस भी आपको डिसाइन करके दूंगा और बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हम फिलहाल सिलेबस में सब इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, ये तीसरा फेज है भैया, ये तीसरा फेज है। जब मुख्य परीक्षा आपका हो गया, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो साक्षात्कार में ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इसके माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो साक्षात्कार का पेपर मतलब होता है, साक्षात्कार का पेपर का मतलब वही इंटरव्यू होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इसके बाद यानी इंटरव्यूज में कितना टाइम होता है। तो देखो, सामान्यतया बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच करीब 2 से 2.5 माह या 3 माह का टाइम मिलता है, 2 से 2.5 माह या 3 माह का टाइम मिलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या सिविल सेवा की तैयारी में ग्रामीण परिदृश्य का होना बाधक है? नहीं। अब देखते हैं कैसे कि जी नहीं, बिल्कुल बाधक नहीं है। आप ग्रामीण परिदृश्य हो सकते हो, लेकिन सिविल सेवा में विषय की समझ विकसित करने की योग्यता, विश्लेषण सत्ता और तार्किक रूप से प्रस्तुतिकरण करने वाला कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति ग्रामीण परिदृश्य से आता है या कोई शहरी परिदृश्य से आता है, इसका सिविल सेवा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये जो मिथ है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो हमेशा डिप्राइव होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल जी हाँ, वो 100% कर सकते हैं, अपना 100% देके। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है, सिविल सेवा की परीक्षा हेतु कितने घंटे पढ़ाई की जरूरत पड़ती है? तो कितने घंटे पढ़ाई की आवश्यकता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये उसकी यानी उसके फोकस और दूसरा उसकी जो क्षमता है कैपेसिटी उस पर निर्भर करती है। लेकिन सामान्यतः 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता अनुसार लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, परंतु एक बात तो ये तय है कि 12 से 13 घंटा पढ़ने का ये जो मिथक नितांत गलत है, पूरी तरीके से ये गलत है। अगर आप फोकसली 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को करते हो तो आपको आराम से 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में सिलेक्शन यूपीएससी में मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सिविल सेवा की परीक्षा के लिए पुस्तकों का पढ़ना अनिवार्य है या नहीं, कोचिंग के नोट्स ही पर्याप्त होंगे या नहीं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज को और आगे मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो मिथक है ना 12-14 घंटा, इसको मैं थोड़ा सा तार्किक ढंग से बताना चाहूंगा। देखो भैया, अगर कोई व्यक्ति जॉब के दौरान पढ़ा रहा है, जॉब के दौरान पढ़ाई कर रहा है, इसका सिंपल और साधारण मतलब क्या है कि जॉब के दौरान अगर वो जॉब में अपना 8 घंटा दे रहा है या 10 घंटा दे रहा है, तो आप इसके अंतर्गत देखोगे कि भैया वो व्यक्ति जो जॉब में 8 से 10 घंटा दिया जा रहा है, दे रहा है वो व्यक्ति, तो 6 से या 7 घंटा वो फिर से ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि उसे जॉब से थका हारा आता है, बाकी के भी काम है। तो मान लो कि अपना काम के लिए अगर 4 घंटा 5 घंटा निकालता है तो 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटा के लिए पढ़ने में तो नहीं निकाल देगा, और सारे काम होते हैं, तो वो व्यक्ति 6 से 7 घंटे में यूपीएससी क्रैक करता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। तो इससे साफ पता चलता है कि 6 से 7 घंटा मोर देन सफिशियंट है। क्या है? मोर देन सफिशियंट है। अब देखो, इसमें से कि सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी के लिए पुस्तकों का पढ़ना अनिवार्य है या नहीं, या कोचिंग के नोट्स ही पर्याप्त होंगे, ये भी बहुत एक क्या होता है कि आपको ये बहुत करता है। तो पुस्तकों को पढ़ना, विशेषकर एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है।
पुस्तकें दृष्टिकोण बनाने में मदद करेंगी, आपका कैसा नजरिया होना चाहिए, जबकि कोचिंग नोट्स समग्रता प्रदान करेंगे, उन्हीं को समग्रता देंगे। इस संदर्भ में प्रत्येक विषय के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। जो शिक्षक इसको दिशा डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। इस संस्थान में जो अनएकेडमी है, अनएकेडमी में मौलिक संकल्पना के स्तर से लेकर के ये मुख्य विषय के स्तर तक पाठ्यक्रम की परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और अनुभवी और विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन सामग्री को तैयार कराया जाता है। इसीलिए क्लास नोट्स और अध्ययन सामग्री को आधार बनाकर तैयारी करने पर ना केवल समय की बचत होगी बल्कि सही दिशा में तैयारी के साथ दृष्टिकोण बनाने में भी मददगार साबित होगा। इसके बाद पुस्तकों को पढ़ना विशेषकर एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन और लाभदायक होगा, बल्कि पारंपरिक और मौलिक पाठ्यक्रम तैयार करने इसके बाद मैगजीन और समाचार पत्रों का अध्ययन अधिक आवश्यक है। तो अब मैं मैगजीन और समाचार पत्रों की मैं आगे बात करता हूँ। देखो, क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के पहले कर लेनी चाहिए? एक सबसे जो अजीब सा क्वेश्चन आता है इसके बारे में बात, एक अजीब सा क्वेश्चन आता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, देखो ये इसमें क्या है कि क्या मुख्य परीक्षा से पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए पहले? तो जी हाँ, हमारा सुझाव तो यही है। वास्तव में मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की विधि में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, लेकिन कुछ विषय आधारभूत जानकारी और तथ्यों का अनुप्रयोग करते हुए पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि मेंस और पीटी का सिलेबस में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है और इसके टाइम पीरियड में करीब 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो जो इसका शेडेड एरिया है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, शेडेड करते हैं, उसको आप एक साथ तैयार कर सकते हो, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसके लिए पीटी के और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तैयार कर सकते हो। जैसे कई बार आप देखोगे कि जैसे कि आर्ट एंड कल्चर पीटी में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो ये तो आप पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहिए दोनों को, और इसमें आपको समग्रता भी मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा भी तो होता है, कई बार आप देखते हैं कि इसके साथ साथ आप देखोगे सॉरी इसके साथ साथ आप देखोगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है तो पीटी में नहीं है, तो इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से तैयार करना है, लेकिन जो दोनों का शेडेड एरिया है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और समग्रता से तैयार करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब देखो कि क्या कोई व्यक्ति प्रथम प्रयास में सिविल सेवा सफलता अर्जित कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, यदि सही रणनीति को 1.5 से 2 सालों तक फॉलो करें और 2 प्रयासों या पहले प्रयासों में ही सफलता अर्जित की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं ये प्रॉपर कह सकता हूँ कि अगर आप सभी गाइडलाइंस को 1.5 साल तक, मेरी गाइडलाइन जो मैं बोलूँ अगर उसे फॉलो करते हो, तो जरूर आप पीटी मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, यूपीएससी क्वालिफाई। अगला, सिविल सेवा की परीक्षा में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग, कला वर्ग से चुने गए वर्ग का तो महत्व है इसके बारे में। तो देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा आपकी प्रशासनिक क्षमताओं की जांच के उद्देश्य से करवाई जाती है। इसमें विषयों को लेकर के कोई, इसमें कोई दुराभाव भेदभाव नहीं करा जाता है, विषयों को लेकर के इसमें कोई भेदभाव ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इसका फोकस करना होगा कि स्नातक पे आपका चाहे वो विज्ञान वर्ग रहा हो चाहे कला वर्ग रहा हो, इससे सिविल सेवा परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी प्रशासनिक क्षमताओं की वहां जांच होती है। अगर आप प्रशासनिक क्षमताएं आपकी दक्ष होती हैं, आप पीटी मेंस क्वालिफाई कर पाते हो, आगे क्वालिफाई कर पाते हो, तो आप क्या हो सकते हो, इसमें आगे सिविल सर्वेंट के रूप में चुने जा सकते हो। तो इसमें सब्जेक्ट को लेकर के कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं प्रॉब्लम है। अब समाचार पत्रों का अध्ययन और कौन सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, एक चीज मैं बता दूं, और ये ना करंट कोई टीचर तैयार नहीं करवा सकता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब करंट कैसे, इसके लिए स्वयं से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कई ये कैसे, मैं इसके तर्क भी बताऊंगा। करंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई टीचर तैयार नहीं करवा सकता या फिर तैयार करवाता है तो वह बहुत सतही नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी में चाहे पीटी हो या मेंस में जो करंट पूछा जाता है, तो
एक टीचर को सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जो कि यह काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो न्यूज आप पढ़ रहे हो यह इंफॉर्मेशन बेस्ड होनी नहीं चाहिए। इसको हमें कॉन्स्ट्रक्टिव मोड में कन्वर्ट करके अपने सारे सब्जेक्ट से जोड़ के क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो भैया जो ये समाचार पत्र है, ये जो न्यूज है, ये खुद को करना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जीएस को आपको जीएस से क्या पढ़ना करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसके अंतर्गत ये कह सकते हो कि इसका आपको स्वयं एनालिसिस करना पड़ेगा, स्वयं न्यूज़पेपर फॉलो करने पड़ेंगे, स्वयं मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है, स्वयं मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी और इसके अंतर्गत आपको इन चीजों पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो इसमें से जैसे क्योंकि और मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो समग्र एक न्यूज़ को हर एक प्रोस्पेक्ट से, उसको हर एक चीज से, हर एक सब्जेक्ट से जोड़ के देखना है, और बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि एक जो बढ़िया सा जो टीचर या विद्वतापूर्ण भैया सब विद्वान टीचर इन सारी चीजों को ले सकता है, कर सकता है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम अपने देखो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करना आपका काम होगा, कंस्ट्रक्ट करना आपका काम होगा। अगला क्वेश्चन, आयोग की परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या पर क्या प्रतिबंध है? जरा इस पे प्रतिबंध क्या कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितने प्रयास मिलते हैं, लेकिन क्या शारीरिक रूप से विकलांगता के लिए प्रयासों की संख्या पे कोई छूट है? तो नहीं, कोई छूट नहीं। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार, ऐसे वर्गों के लिए उपबंध प्रयासों की संख्या में छूट के लिए वो पात्र होंगे, लेकिन आगे बताऊंगा कैसे कैसे पात्र। या कोई उम्मीदवार जिसने किसी ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की है, आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे कि कई बार इग्नू से, तो जी हाँ वो कर सकता है, बशर्ते यह कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो और वह परीक्षा के लिए विहित शैक्षणिक योग्यताएं रखता हो, जैसे इग्नू। तो आप ओपन से भी अगर ग्रेजुएट हुए हो तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, अगला, राज्यों की अन्य पिछड़े वर्ग सूची में शामिल लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल न किए जाने पर किसी समुदाय से संबंधित कोई उम्मीदवार आयोग की परीक्षाओं में आयु में छूट आरक्षण आदि के लिए पात्र होगा? तो जी नहीं। मान लो कोई भी वर्ग अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी में नहीं रखती है और स्टेट गवर्नमेंट रखती है तो उसको ओबीसी के कोई फायदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला, सिविल सेवा की तैयारी में ग्रामीण परिवेश का होना बाधक है? ऐसी मैंने ऑलरेडी बताया कि बिल्कुल भी नहीं, इसमें से आपको अपने आप समझ विकसित करके और अपनी पढ़ाई को बेहतर करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा था। अब इसमें से जैसे कि अच्छा ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया था, है ना, चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा होगा। अच्छा यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। क्या कोई उम्मीदवार, देखना, क्या कोई उम्मीदवार ऐसे वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है जो उसने स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर में नहीं पढ़ा हो? जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। इससे देखो क्या होता है, अपना इंटरेस्ट मैटर करता है, और यूपीएससी का जो पिछले सालों का इसका सर्वाइवल रेशियो है ये मैटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी उम्मीदवार ने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक के लिए जो आवेदन किया था लेकिन वह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में भाग नहीं लिया है तो क्या उसे एक प्रयास के रूप में गिना जाएगा? तो ये क्वेश्चन है, तो नहीं गिना जाएगा। अगर उसने किसी भी पेपर में भाग नहीं लिया है तो उसका अटेम्प्ट खराब नहीं होगा, लेकिन कोई प्रयास केवल तभी गिना जाएगा जब अगर उसमें से दो पेपर्स में से जैसे जीएस फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में उसने भाग लिया हो तो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के विभिन्न पेपरों में विभिन्न भाषाओं में ले सकता है? तो नहीं। अब ऐसे उम्मीदवारों को अपने उत्तर या तो अंग्रेजी या हिंदी या आठवीं अनुसूची में वर्णित जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में जिस भाषा को वह अपनाता है तो उसमें लिख सकता है, उसको उसी परीक्षा देना होता है, उसे उसी भाषा में अथवा अंग्रेजी में साक्षात्कार देने का विकल्प होता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के मत अधिकतम
4 महीने का गैप होता है, इसमें कम समय के जो अंतराल में कमी के चलते कोई भी व्यक्ति मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकेगा, इसके लिए उसे पहले से मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, बाकी का मैंने ये बताया कि कैसे ये सेरेट एरिया होता है, कितने अंक होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया। अब आपको यहाँ अगला देखना है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किसी भी प्रश्न के 3 आयाम होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। प्रश्नों की सूक्ष्मता विश्लेषण किया जाए और कैसे कि 40% जो प्रश्न कैसे होंगे, इसमें से 20% अंक प्रश्न कैसे होंगे, इसके भी बारे में मैं आगे डिटेल आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, है ना। इसमें से नेगेटिव जो अंक होते हैं, ये सारी चीजें, इसके बारे में पहले हम नोट्स की भूमिका और प्रक्रिया के बारे में, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है, यानी माइनस मार्किंग होती है, जो कि मैं ऑलरेडी 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है, 1/3 की। जरा एक एक मिनट रुकिएगा, नोट्स की भूमिका और प्रक्रिया। तैयारी के दौरान नोट्स की भूमिका उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि एक बल्लेबाज के लिए खुद का बैट। समझ में आया, मैंने एग्जाम्पल से बताया है कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि एक बल्लेबाज खुद के बैट में जितना सरलता और सहजता से वो प्राप्त कर पाता है, तो उसको सहजता से अपने बैट से रन बना सकता है, उसी तरह उसका नोट्स काम आएगा। नोट्स सरल और सुगम भाषा में होने चाहिए, इसका एक आधारभूत नोट्स होना चाहिए जिसमें कक्षा नोट्स के अतिरिक्त एनसीईआरटी अन्य सामग्री महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल कर लेना चाहिए। निरंतर रिवीजन करने के लिए भारी भरकम पठन जो पाठन है सामग्री से छुटकारा होना चाहिए, तब इसमें सफलता के जो चांसेस होते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। जब हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो हमें सभी से एक ही सलाह मिलती है, जो कि एनसीईआरटी का अध्ययन। वास्तव में यह एक नेक सलाह है, एनसीईआरटी एक आधार का काम करती है, लेकिन सारी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मेरा क्लास लेक्चर और नोट्स मोर देन सफिशियंट है, परंतु केवल एनसीईआरटी से प्रश्न अब नहीं पूछे जा सकते, इसलिए हमें अब तैयारी में अन्य सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, जिसे निर्धारित करने में शिक्षक की मदद लेना चाहिए, जैसे टीचर बिरादरी की हेल्प लेनी चाहिए। आयोग की परीक्षा में समसामयिकी का महत्व तो हमेशा से रहा है, इसके न्यून होने की संभावना यानी करंट की काफी कम है। इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न है इनकी प्रगति और निरंतर में बदलाव होता रहा है, इसको भी एक शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहां तक चीजों को देखा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप क्या कर लेंगे कि इन सारे संबंधित जो कि क्वेश्चन है, ये डाउट है, क्लियर हो गए होंगे। अगला हम देखेंगे कि अब आप 6 माह के लिए, जो 6 माह 5 माह बचा है यानी 163-164 दिन बचा है, तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, क्या कोई से बाहर से बुक्स जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू।